शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, बहुत बार ऐसा फील होता है कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन फील कर रहा है, फिर बहुत घबराहट होने लग जाती है, कृपया मार्गदर्शन दें। क्यों घबराहट होने लग जाती है? स्वाभाविक प्रश्न है। ये जो बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, जो सुन रहा है तो कौन सुन रहा है, ये जो देख रहा है ये कौन देख रहा है, इन सबको एक ही प्रश्न में हम समाहित कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, आखिरकार ये कौन है, ये जो आइडेंटिटी, ये जो पहचान हमने जो बनाई है, क्या ये वो है या ये कुछ और है, ये क्या है? ये प्रश्न किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के भीतर उठता है, क्योंकि सुनना, महसूस करना, जीवन का घटना एक स्रोत से उठी हुई रहस्यमय घटना है। तुम देखो तो जीवन में इससे बड़ा चमत्कार और रहस्य और कुछ नहीं है कि बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये प्रश्न उठता है। ये आइडेंटिफिकेशन कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये व्यक्ति को परेशान भी करता है। जब भी किसी के भीतर डिसआइडेंटिफिकेशन का, गैर तादात्म का प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो उठती हैं। इसमें घबराने जैसी तो कोई बात नहीं है। अपने इन भावों और प्रश्नों के प्रति सहज होना सीखो, उनके प्रति थोड़ा और विनम्र होना सीखो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व से जो तादात्म्य है वो धीरे धीरे क्षीण होगा, कम होगा। और जब तुम्हारे व्यक्तित्व से तुम्हारा तादात्म्य क्षीण होगा, तो जो तुम्हारा स्रोत है, तुम्हारा जो होना है, तुम्हारा जो ओरिजिनल नेचर है, वो अपने ढंग से प्रकट होगा। जो अनाम अरूप हमारा होना है वो अपने ढंग से प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये प्रश्न संवेदनशीलता की यात्रा में सहायक हैं, स्वाभाविक हैं। Thank you.